हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और आज दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं करंट जीके जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर और जो केवीएस के टीचर एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि दिसंबर से स्टार्ट होंगे, और आरपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अभी आपके पास टाइम है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट जो करंट जीके हैं उसको डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी इसमें से, और हर 2 या 3 दिन के बाद में मैं जो है वो इसके ऊपर जो वीडियो है वो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और केवल ये 3-4 मिनट का वीडियो जो कि अभी बनेगा वो आई थिंक आपके लिए सफिशियंट रहेगा। अगर आप जब भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसको जो है वो डेली बेसिस पे देखते हो तो, और निश्चित रूप से सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा मैं इनके अंदर। और तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम जो है वो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि नासा के द्वारा हाल ही में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान को सेवानिवृत्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे रहेगा बी, डोन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट जीके के लिहाज से। और ये जो डोन अंतरिक्ष यान था, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनके जो अध्ययन है उनके लिए काम में लिया जाता था, और इसको हाल ही में नासा के द्वारा सेवानिवृत्त किया गया है। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े अस्पताल को बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बिहार, और इसके ऊपर लगभग दोस्तों 5500 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आएगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो बनने की मंजूरी मिली है बिहार के अंदर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में बहु प्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दिल्ली, और इसके अंदर आपको पता होगा कि जो यमुना नदी है उसके ऊपर ये जो सिग्नेचर ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, और आजकल का जो ट्रेंड कहता है वो यही है कि जो प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है या जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जाएगा वो यहाँ पे आईआईटी मद्रास जाएगा, और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपके पास चेन्नई भी आ सकता है, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो सही आंसर जाएगा वो यहाँ पे आईआईटी मद्रास अपना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत और जापान द्वारा हाल ही में किस झरने पर पन बिजली परियोजना आरंभ किए जाने हेतु समझौता किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे तुर्गा आंसर इसका सही रहेगा, और इसके अंदर जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर आप देख लीजिए, द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के खुशहाल देशों में आने वाले किस देश में 2017 में मानसिक बीमारी से जुड़े 4,200 मामले सामने आए हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो भूटान रहेगा। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो वो यहाँ पे देख लीजिए कि वैज्ञानिकों को किस देश में शाकाहारी डायनासोर की एक नई प्रजाति के 11 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे ही अवशेष वैज्ञानिकों को मिले तो वो अर्जेंटली उनको जो है वो निकालने के लिए गए या उनके ऊपर शोध करने के लिए गए, यानी इसका जो आंसर रहेगा वो अर्जेंटीना होगा। इस तरह से आप लोग जो है वो इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि ईरान ने देश में
ही डिज़ाइन किए गए किस फाइटर जेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको ए और सी ऑप्शन जो है वो इसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कोसर फाइटर जेट, ठीक है, यानी सी जो ऑप्शन रहेगा इसका वो सही हमारा जो है वो आंसर रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत ने रूस के साथ 2 अपग्रेडेड क्रिवक थर्ड श्रेणी के युद्धपोत की खरीद के लिए कितने मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारा वो 950 मिलियन डॉलर यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। इसके बाद में दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और किस देश में हाल ही में तुर्गापन बिजली परियोजना के लिए 1817 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, तो जापान आंसर इसका जो है वो रहेगा। आप लोग दोस्तों ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसके अंदर से जो है वो सही हुए हैं, और आपको ये सीरीज़ कैसे लगे या आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।